एक बार और इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। देश के बच्चे अकेलेपन से परेशान है, किसी के पास बात करने के लिए दोस्त नहीं है, किसी के पास कुछ करने के लिए काम नहीं है। करेंट सिचुएशन इस तरीके से गुजर रहा है, पढ़ाई का पता नहीं, नींद आता नहीं, सुबह उठ पाता नहीं, पैसे का पता नहीं, मोबाइल हाथ से छोड़ा जाता नहीं, ऊपर से डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, तकलीफ, ओवर थिंकिंग, फैमिली इशू, रात अब सोने के लिए नहीं ओवर थिंकिंग करने के लिए रह गया हुआ है। फिर भी जब सुबह होती है, खुद को मोटिवेट करने के बाद रूम से बाहर निकलो तो ये लोग मिल जाते हैं। जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड है, इसने आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ आपको चीट करा है, तो आप किसको पहले माफ करोगे? बेस्ट फ्रेंड। तो गर्लफ्रेंड को क्यों नहीं? तड़प तड़प के इस दिल से नहीं, अगर होगी आपकी गर्लफ्रेंड और वो आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ चीट कर रही है। बेस्ट फ्रेंड बचपन से साथ, तो वो ट्रस्ट नहीं तोड़ेगा मेरे को। हाँ, अगर तोड़ा तो किसको माफ करोगे? बेस्ट फ्रेंड को। आप किसी को भी नहीं? बेस्ट फ्रेंड बचपन से साथ, तो वो ट्रस्ट नहीं तोड़ेगा मेरे को। दोस्त के रूप में सांप को पाल रहा था, मुझे क्या पता मुझे ही डस लेगा। जिस कॉन्फिडेंस के साथ बोले जा रहे हो, शीशे में एक बार अपना थोबरा देख लिया होता तो अपने दोस्त के बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलता। उसने पूछा, तुम्हारे साथ कोई चीट करेगी तो किसको माफ करोगे? और तुमने मान कैसे लिया कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी बनेगी? फ्रेंड रिक्वेस्ट कंफर्म किया, फॉलो बैक नहीं करेगी? ऐसे राह चलते सवाल पूछना, माना कि हम इनके लिए कंटेंट है, पर हमारे बारे में ये लोग सवाल पूछते पूछते नहीं थक वाले। पर राह चलते लोग अपनी शिकायत दुख किसे सुनाए? आज हर किसी को शिकायत है अपनी दुख भरी इस जिंदगी से। ये जिंदगी तू दुख का साथ क्यों नहीं छोड़ती? सो अगर आप छोटा भीम होते एक दिन के लिए, सो आप किसको पिक करोगे? राजकुमारी इंदुमती को या चुटकी को? टुनटुन मौसी। क्यों? क्योंकि वो मुझे डेली अपने लड्डू देगी। तुम सोच रहे होगे कि ये जोक इस बच्चे को समझने में वर्षों लग जाएंगे, तब तुम गलत हो। माना कि वो अभी तुरंत समझ नहीं पाया है, जैसे ही कल क्लास में अपने दोस्तों से मिलेगा सब समझदारी उसे प्राप्त हो जाएगी। आजकल के बच्चे बच्चे नहीं है, बच्चे विद्वान हो गए हुए हैं। लड़के का बुद्धि आसमान में सैर कर रहा है, ऑप्शन पे ध्यान देना ही नहीं है, डायरेक्ट गोल पे ध्यान देना है। टाइम नहीं है भाई, समझा करो। बच्चे एग्जाम के दिन किताब रट कर घर से निकलते हैं, और ये बच्चे छोटा भीम के सारे करेक्टर का नाम याद करके मार्केट में निकलता है। A few inches later. अब रोड पे चलना, मॉल में घूमना, पार्क में टहलना और सो कॉल्ड पटना गंगा ड्राइव पे सैर करना महंगा पड़ सकता है। गवर्नमेंट का कोई न्यू रूल एंड रेगुलेशन नहीं आया है, डरने की बात नहीं है। कहीं भटक भी रहे हो तो कुछ चीजों पे ध्यान रखना बहुत जरूरी हो गया हुआ है, जैसे तुम्हारा आउटफिट कॉस्ट क्या है। हमेशा त्रुठ और देर के लिए रेडी रहना जरूरी है। उससे ज्यादा जरूरी ये है कि तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड होनी चाहिए जिससे तुमने आज प्रपोज न किया हो। अगर बच्चे हो तो डोरेमोन, सिंचन और छोटा भीम का पूरा करेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर कोई क्रश है उसका नाम जुबान पे रख के घूमना चाहिए। ये तमाम सारे सवाल का जवाब होने के बाद भी डर लगता है कहीं कोई राह चलते कुछ पूछ न दे। रील से लेके यूट्यूब शॉर्ट्स तक जब देखो हर दूसरा और तीसरा वीडियो किसी और का नहीं, KBC कौन बनेगा कॉन्टेंट का शो होस्ट करती नजर आती है। दीदी, कोई क्रश है? कोई गर्लफ्रेंड? Yes. कौन है? अंजलि मैम। कौन सी सब्जेक्ट की है? GK। GK की है। थैंक यू। इतना ओवर कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है? बोलने से पहले थोड़ा समय तो सोचने के लिए ले लिया होता, इतना भी तरह तरी जवाब नहीं देना होता है। कल फिर से GK के क्लास अटेंड भी करना है बच्चू। फिर क्लास में बैठने से पहले क्लास का कोना देखने के साथ कौन सा बेंच आरामदायक है जिसपे बैठने दर्द कम होगा ये देखना पड़ जाएगा। हम लोगों का ही साबुन स्लो था, आजकल के बच्चे चंद्रयान 3 से भी फास्ट है। जहाँ क्रश का मतलब क्रश कोई वर्ड भी होता है नहीं पता था, वहाँ इस बच्चे का क्रश है, वो भी GK की मैडम। कौन बोला देश संकट में है? देश प्रगति पे है, लगातार आसमान के ऊंचाइयों में चांद छूने पे लगा हुआ है। इन दीदी का वीडियो देखकर अब डर लगने लगा है। रास्ते पे गोलगप्पा खाते हुए मेरा दोस्त देख ले चलेगा, इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन में मुझे कोई बेइज्जती कर दे वो भी चलेगा, आटा पिसवाने या साइकिल से दूध लाते कोई देख लिया वो भी चलेगा। पर ये दीदी रास्ते में, मॉल में, पार्क में हाथ में माइक लेके सामने कैमरा लेके मिल जाए ये बिल्कुल नहीं चलेगा। मौत आ जाए पर ये दीदी सामने ना आए। सो अगर सेंटा एक दिन से रियल होते तो आप सेंटा से क्या एक चीज मांगते?
फरमाइश देख रहे हो, ये छोटा बच्चा, ना 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 ना, ये बच्चा है, ये भ्रम कभी मत आने देना। आजकल के बच्चे 10 के स्पीड से ग्रो कर रहे हैं और इसकी पढ़ाई वो तो इसने पिछले जन्म में कर जो रखा था, अब तो बस रिलैक्स करने आया है 21वीं शताब्दी में। क्या करना है ये सारे फालतू जवाब का जिसका दूर दूर तक तो कोई रिश्ता ही नहीं है, ठीक है, झांसे में बिल्कुल ना आए। आप इसके लिए बस कॉन्टेंट है। How much is your outfit worth? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बेवकूफ। ठीक है, 5 सिटीजन की, ये आ गई आपकी 25 की, 20 की बेल्ट है लुई विटॉन की, 5000 की ये ब्लैक की या एरो की, ये शेड्स हैं 3000 के, और ये है 5-7000 के बीच की है, न्यूयॉर्क की। शूज मेरे 24000 के एडिडास के फ्लावर वर्जन, ये दोनों ऐसे एडिडास में। ओके, ये बता भी ऐसे रहा है जैसे मानो अपने पैकेट से सब कुछ ले रखा हो। सब कुछ बता दो, चड्डी कौन सा है उसका प्राइस भी बता दो। ऐसा करो, प्राइस टैग हटाना ही नहीं है, टैग को लो और सामने सीने पे मस्त फेवी क्यूक से चिपका लो। याद करके बताने में बहुत मेहनत जो पड़ रही है। लोग घर से निकलते हैं भगवान का नाम याद करके, और आजकल के बच्चे आउटफिट कॉस्ट याद करके चलते हैं। एक एड याद होगा जिसमें एक आदमी दूसरे से पूछता है कि हाँ भाई क्या चल रहा है, तो दूसरा बोलता है कुछ नहीं भाई फॉग चल रहा है। तो ये बिना हाथ पैर लॉजिक और दिमाग का सवाल इतना फैलना शुरू हो जाएगा, ये सवाल पूछने का बीमारी रोड पे, मॉल में, पार्क में आई फ्लू की तरह हर स्टेट में फैलना शुरू हो जाएगा। कोरोना का रिकॉर्ड ब्रेक करने आ जाएगा, जहां देखो वहां लोग मुंह में माइक लेके कुछ भी पूछना शुरू कर दे रहे हैं। सो अगर सेंटा क्लॉस एक दिन के लिए रियल होते हैं तो आप उनसे क्या एक विश मांगते? रेशिन मांगते 4। और 4 रेशिन का क्या करोगे? 4 रात में चाहूंगा। रिलैक्स ब्रो, कूल डाउन, वो रशियन बॉय के बारे में बात कर रहा होगा। तो अगर सेंटा क्लॉस एक दिन के लिए रियल होते हैं तो आप उनसे क्या एक विश मांगते? रेशिन मांगते 4। मैं इतना पॉजिटिव कैसे सोच लेता हूँ, ये बोलने से पहले आगे देख लेता, पीछे देख लेता, दाएं देख लेता, बाएं देख लेता, अपने घर वाले के गुस्से के बारे में तो सोच लेता, लेकिन नहीं। LHS=RHS प्रूफ करने के उन में 4 किया, 4 दिन का हॉलीडे प्लान, या 4 डेयरी मिल्क, या 4 इंच और बड़ा होना चाहता है, 4 रशियन, 2 LHS और 2 RHS, वाह। अरे कैमरा देख, सब रिकॉर्ड करवा रही है, मुस्कुराना बंद करो और दोनों पैर से भागना शुरू कर दे। घर वाले ने वीडियो देख लिया तो फिर तुम खुद को नहीं दिखा पाओगे। ऐसे ही बच्चे बड़े होकर कुटाई करवाने का लाइसेंस रेडी करवा लेते हैं और ऐसे पीटे जाते हैं। दोस्तों के साथ बकवास करने से ओवरथिंकिंग कम होता है और रोस्ट करने से क्रिंज। इतना जानने, सोचने, समझने की जरूरत है नहीं, जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे के सारे वीडियो स्क्रिप्टेड रहते हैं, तो चिल करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक मारो, अच्छे नहीं पे ना सब्सक्राइब मारो। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ।